तो जैसा कि आपको पता है कि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास उपलब्ध हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। और एक भाई जो है फिर निकल चुका है टॉपर वेरिफिकेशन से, इनसे हम जानेंगे कि ये इनको कब तरीके को कॉल गया था और ये टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जब आए हैं तो ये कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले इस भाई का इंट्रोडक्शन लेते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन लेते हैं। मेरा नाम नितेश कुमार है, मेरे पिता का नाम श्री दिनेश शाह है, मेरी माता का नाम सुभा देवी है, मैं खुटोना मधुबनी से आया हुआ। मेरा रोल नंबर 2481 है, मेरा रोल कोड 62112 है। आपको कितने तारीख को कॉल किया था कि आप टॉपर लिस्ट में आ गए हैं? 24 तारीख को। तो आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो ऑनलाइन कर रहे थे या ऑफलाइन पढ़े थे? ऑफलाइन पढ़े थे। आपके सर का नाम क्या होगा? अरविंद सर यहाँ पे आए हुए हैं, कौन है? ये देखिए आप अरविंद सर को देख पा रहे हैं, इन्हीं अरविंद सर के बदौलत ये बच्चा जो है आज टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आ चुका है। और जब ये बताइए कि अरविंद सर जो हैं वो क्या कौन से सब्जेक्ट को लेते हैं? मैथ संस्कृत और बायो, मतलब साइंस। तो ये देखिए और ये बताइए सबसे पहले कि आप ये जो सर का कोचिंग है वो आपके मधुबनी में ही है? कोचिंग का एक बार एड्रेस आप बता दीजिए। वागेश्वरी शिक्षण संस्थान खटौना धोनी गाजी। अच्छा, मतलब ये कोचिंग का एड्रेस था। जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल गया तो कॉल रिसीव कौन किया था? यहीं पे रहते हैं। आप ही किए थे? आपको विश्वास हो गया था कि आप टॉपर में आने वाले? नहीं, पहले सुने तो विश्वास नहीं हुआ, उसके बाद जब सर बोले कि आपको ये कराना है तब हमको विश्वास हुआ कि कॉल आया, क्योंकि फेक भी कॉल चल रहा था इसलिए शायद बच्चे को विश्वास ना हो कि हाँ फेक है या रियल है। और देखिए तो ये बताइए कि जो प्रिपरेशन ये सर करा रहे थे, तो जिस प्रकार से प्रिपरेशन करा रहे थे तो क्या लगता था कि आप टॉपर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? हाँ, पूरा विश्वास था कि आ सकते हैं। चलिए सर से भी मिल लेते हैं। सबसे पहले सर को चरण स्पर्श से और आप हमें भी आशीर्वाद दीजिए सर। तो होता है जो शिक्षक जिस प्रकार से गाइड करते हैं और स्टूडेंट वाकई में उसका अनुसरण करता है तो वाकई में विद्यार्थी को मुकाम हासिल होता है। तो मुझे नाज है उस पर, तो हमने जैसा उसको गाइडलाइन दिया उस पर वो खड़ा उतरा। कब से टीचिंग करा रहे हैं सर? क्योंकि विगत 20 वर्षों से। 20 वर्ष से? ये फर्स्ट टाइम है या इससे पहले भी आए? टॉपर बड़ा में ये वेरिफिकेशन में फर्स्ट टाइम आए। ब्लैक टॉपर मेरे यहाँ से कितने बार हो चुका है? तो यहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन तो अभी स्टार्ट हुआ, जब से स्टार्ट हुआ तब से यहाँ पे नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम आने को चांस मिले तो क्या लगता है बिहार टॉप जाएगा या टॉपर तक रह जाएगा? हमारा आशा तो है तो बिहार टॉप ट्रेड में आना चाहिए, या टॉप 10 में आ जाएगा। चलिए देखिए अभी तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। 2025 में जो बच्चे हैं, 2025 में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? तैयारी जो है वो कब तक सिलेबस को ख़त्म कर लेना चाहिए और कब उनको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना चाहिए? हमारा जो नज़रिया होता है कि जितने सिलेबस कवर होते चले जाते हैं उस सिलेबस को जितनी अधिक से अधिक टेस्ट दे करके अधिक से अधिक प्रिपरेशन करा करके ओके किया जाता है तो वो ज़्यादा मायने रखता है। और एग्जाम से कम 2 मंथ पूर्व जरूर सिलेबस ओके हो जाना चाहिए, मतलब 2 मंथ पूर्व यानी दिसंबर तक। दिसंबर तक जरूर ओके हो जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी को खुली तैयारी करने का मौका मिले, रिवाइजिंग करने का मौका मिले, डैश कोर्स होना चाहिए, मतलब डैश कोर्स हो ताकि उसको बच्चे को जो कमी है वो बच्चे को भी पता चले, टीचर को भी पता चले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बच्चा बिलोंग करता है, थोड़ा इनसे इनके पेरेंट्स से भी हम लोग बात करते हैं। इनके लिए आपका लड़का है? हाँ, मेरा लड़का है। तो जब पढ़ रहा था घर में कितना घंटा पढ़ रहा था लगभग? घर में 8-10 घंटा पढ़ रहा था। 8-10 घंटा पढ़ रहा था? तो जब ये पढ़ रहा था तो आप बोलते नहीं हैं कि इतना काहे पढ़ रहे हैं? नहीं, हम तो और कहते थे पढ़ने के लिए। अच्छा, और कहते थे पढ़ने के लिए। आप क्या करते हैं? हम तो एक किराना छोटा दुकान करते हैं। आप तो छोटा दुकान करते हैं, छोटा दुकान करके बचवा को पढ़ाएं और बचवा जो है वो टॉपर लिस्ट में आ चुका है। तो अब दुकान पे जो लोग आता होगा बोलता होगा कि अरे आप कैसे बचवा को पढ़ाएंगे टॉपर में? बहुत बोलता है, बहुत जलबो भी करता है। जलने दिए, जलने वालों का काम है जलने का, लेकिन अपना काम है। लेकिन हमारा पूरा भरोसा सर के ऊपर था, हमारा बच्चा का गाइड करना पूरा भरोसा हम अपने सर पर छोड़ दिए। सर पर छोड़ दिए थे कि सर टॉपर बना दीजिए? तो सर से टॉपर बना दीजिए। सर को क्या दीजिए? सर को जो हमको इच्छा होगा वो दे, मतलब सर जो मांगेंगे वो दे। चलिए आज तो आप बहुत खुश होंगे। खुश तो है, बहुत खुश है पूरे गांव। सर प्रेम का भूखा है। सर को कुछ नहीं चाहिए, सर को कुछ नहीं चाहिए, सर प्रेम का भूखा। क्योंकि यहाँ तक कोई बच्चा, क्योंकि आप एक बच्चे को नहीं पढ़ाए होंगे, बहुत बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन उसमें बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो टॉपर लाइक निकले। जी, उस लाइक बहुत कम ही बच्चे। तो ये आपकी भी सौभाग्य की बात होगी कि ये बच्चा निकल गया है। हमको सबसे बड़ी संतुष्टि इसी से मिलती है कि बच्चे मुकाम को हासिल कर ले, उससे बड़ा हमको क्या मिले? क्या मिले? किसी को देने से कुछ नहीं मिलता है, मेन होता है कि बच्चे मुकाम को हासिल कर।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और आपको फिर से एक बार मेरा भी चरण स्पर्श है, आप एक बार मेरे को भी आशीर्वाद दे दीजिए। दिल से आशीर्वाद। चलिए ठीक।